हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्विक क्रेडिट में। मैं तमन्ना एक बार फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए कैसा बिजनेस आइडिया जो आपके बिजनेस को स्टार्टअप देने में बहुत ही बड़ा सपोर्ट साबित हो सकता है। और कमाल की बात यह है कि इस सपोर्ट में आपका सरकार भी सपोर्ट करेगी। थोड़ा सा राइमिंग हो गया। तो चलिए, कैसे कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसके बारे में बात कर रही हूँ और कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जिसके जरिए सरकार आपकी मदद कर सकती है, वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के जरिए। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए और हाँ, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको किस तरह के वीडियोस बिजनेस को लेकर देखना पसंद है। और अगर आपके पास भी कोई आइडिया है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, उस पर भी वीडियो बनाएंगे, हमारे लिए थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो आज जो जिस बिजनेस की मैं बात करने वाली हूँ वो है पैटीज़ का बिजनेस, या फिर यूँ कह लीजिए कि ऐसी चीज़ों का बिजनेस जो आपके एरिया में या फिर घर के आसपास, स्कूल के आसपास, या अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आप देखते हैं, और आपका अगर खाने का मन करे, कम दाम में अच्छा खाने का मन करे, तो आपकी एक बार जीभ जो है ना ललचा जाती है। तो पैटीज़ का बिज़नेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं और कौन से ऐसे बिज़नेस हैं जिसको शुरू करके, कम लागत में शुरू करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और सरकार आपकी मदद करेगी, तो देखिए। आजकल गांव कस्बों में भी पैटीज की दुकानें खुलने लगी हैं। ऐसे में ये काम व्यवसाय के रूप में फलने फूलने लगा है। इस काम के लिए ना तो आपको बहुत अधिक जगह चाहिए और ना ही महंगी महंगी टेक्नोलॉजी। अगर घर पर पैटीज नहीं बना सकते तो किसी बेकरी से संपर्क करें, थोक भाव में वहां आपको बहुत सस्ते में पैटीज मिल जाएंगे। पैटीज की दुकान खोलने से पहले रिसर्च करें। आप जिस जगह इस बिजनेस को शुरू करने वाले हैं उस एरिया के बारे में आप रिसर्च करें, वहां के लोगों का व्यवहार समझें। एक सफल बिजनेस के लिए ये जानना आवश्यक है कि आप जिस एरिया में शॉप खोलना चाहते हैं वहां के लोग किस तरह का खाना पसंद करते हैं, कितनी इनकम है, कितना महंगा तक खा सकते हैं। आप जिस जगह शॉप खोलने की सोच रहे हैं उस जगह पर चाट, समोसा आदि की दुकानें कितनी हैं। इन दुकानों से ही आपके बिजनेस को सबसे बड़ा टक्कर है। इस तरह की रिसर्च करके आप अपने बिजनेस का प्लान बना सकते हैं। लोकेशन का चयन करें। लोकेशन तय करने से पहले ध्यान दें कि आपके यहाँ से यातायात की क्या सुविधा है और मार्केट से उसकी दूरी कितनी है। आसपास कोई ऑफिस, कॉलेज या भीड़ भाड़ वाली जगह है तो बहुत बढ़िया। इस बिजनेस में भीड़ ही पैसा है, इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें, जहाँ भीड़ भाड़ हो वहीं आपके बिजनेस की शुरुआत हो। स्वच्छता, हाइजीन का रखें ख्याल। ध्यान रहे कि पैटीज और अन्य खाने पीने के व्यवसाय का मूल मंत्र ग्राहकों की संतुष्टि है, इसलिए अपनी दुकान पर खराब या बासी खाना ना ही बेचें। साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें और ग्राहक के साथ मधुर व्यवहार बनाकर रखें। यदि आप बासी और अधिक तेलीय वाली पैटीज बेचते हैं तो ये आपके कस्टमर को आपसे दूर कर सकती है, इसलिए खाने की क्वालिटी पर विशेष ध्यान दें। बिजनेस में प्रॉफिट, इस काम में मुनाफा आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। कंज्यूमर लॉयल्टी का इस बिजनेस में विशेष योगदान है, यानी कि यदि इस काम में आपने लोगों का दिल जीत लिया तो सफलता जरूर मिलेगी। एक औसत मुनाफे की बात करें तो आपको हर महीने 30 से 35 हजार तक का मुनाफा आराम से हो सकता है, बशर्ते आपके फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी हो। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म का भी उपयोग कर सकते हैं। आप अपनी शॉप पर कस्टमर को मैनेज करने के साथ ऑनलाइन ऑर्डर भी लेकर लोगों तक अपनी सर्विस पहुंचा सकते हैं। स्विगी, जोमैटो और उबर ईट के साथ मिलकर अपने बिजनेस को चलाएं। इससे ये भी सहायता होगी कि यदि आप घर से बिजनेस कर रहे हैं और लोगों को बैठाकर खिलाने की जगह नहीं है तो आप कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के जरिए बढ़ाएं बिजनेस। किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मार्केटिंग का एक अलग महत्व है। नए नए काम में यदि आप मार्केटिंग करते हैं तो ये आपके बिजनेस को आसानी से बूस्ट कर सकता है। ऐसे में डिजिटल मार्केटिंग का विकल्प आपके पास सुरक्षित है। अपने उत्पाद का प्रमोशन डिजिटल मीडिया पर तरह तरह से करते रहें। इस बिजनेस के लिए ले सकते हैं लोन। इस काम के लिए आप क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम के तहत पैसे की मदद ले सकते हैं। इस योजना के तहत सरकार छोटे काम धंधों के लिए लोन देती है। आप किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं। इसके लिए बैंक आपसे कुछ जरूरी दस्तावेज मांगती है, जैसे पिछले 2 सालों का सर्टिफिकेट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पते का सबूत, पहचान पत्र, बैंक स्टेटमेंट और प्रॉपर्टी के पेपर। इन दस्तावेजों के साथ आप किसी भी बैंक में आवेदन कर सकते हैं। क्रेडिट गारंटी योजना के तहत बैंकों को सरकार आश्वासन देती है कि आवेदक द्वारा लिया गया लोन अगर नहीं भरा जाता तो इस योजना के तहत सरकार उसकी भरपाई करेगी। ऐसे में लोन लेने वाला इंसान बैंकों को कुछ गिरवी नहीं रखता और उसे आसानी से लोन मिल जाता है। इससे आप अपने आसपास के बैंकों में जाकर जानकारी ले सकते हैं। तो देखा, ये तमाम वो बिजनेस है जो बहुत ही कम लागत में शुरू हो सकते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट आप 10,000 रुपये में शुरू कर सकते हैं और सरकार अगर आपकी मदद करती है तो आप इसको एक अच्छे लेवल पर लेकर जा सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा बिजनेस टैक्टिक्स, मार्केटिंग के गुण और जाहिर सी बात है दिमाग। तो चलिए फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले वीडियो तक का इंतजार कीजिएगा और रहिएगा हमारे साथ। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।